बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट बहुत ही मज़े का चटपटा सा क़ीमा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्याले के करीब मैंने ऑयल लिए, वो इसमें डालेंगे। इसको गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें 6 काली मिर्चें और 6 लौंगे, 2 काली इलायची और 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हम दालचीनी के हैं वो डाल देंगे। इसको गरम करेंगे। अब 3 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक स्लाइस करके रखा है, वो ऐड कर देंगे। प्याज का हल्का सा लाइट ब्राउन कलर लेकर आएंगे बिल्कुल। ये देखिए प्याज का अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें कीमा लिया हमने बीफ का 1/2 kg, वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले कीमा, हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। कीमे को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 3 टेबल स्पून। अच्छे से चमचे चलाएंगे। अब इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून हम पिसी हुई मिर्च डालेंगे। इसके अलावा चाट मसाला डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। भुना कुटा साबुत धनिया हम डालेंगे 1 टीस्पून। भुना कुटा जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अलावा नमक जो है हसबे ज़रूर डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें टमाटर हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको कट करके रखा है, वो ऐड करेंगे। और 5 टेबल स्पून के करीब दही ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और इसको दरमियानी आंच पर पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। कवर करके इसको पकाएंगे। कीमे को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। ये देखें, ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 8 से 10 छोटी वाली हरी मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा धनिया काट के रखा है, वो ऐड करेंगे। और 5 से 7 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए। ये देखें कीमा हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म से तैयार हो गया। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खुदा हाफिज़।